डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बात 2 साल पहले की है। उस समय मैं 10वीं में पढ़ रहा था। मैं उस समय अपने बुआ जी के गांव गया हुआ था और वहां मैं हमेशा साल में 2 से लेकर 3 बार जरूर जाया करता था। लेकिन इस बार मेरा मन बुआ जी के जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ सर्कस लगी हुई थी, लेकिन मम्मी ने मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया था और मुझे बुआ के यहाँ भेज दिया था। मुझे इस बात का गुस्सा था क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर सकता था, लेकिन बुआ जी के यहाँ तो काफ़ी कुछ वैसा का वैसा ही था। मैं हमेशा यहाँ पर आया करता था, गाँव में घूमा करता था, लेकिन जो मज़ा वहाँ सर्कस में आने वाला था, यहाँ बुआ जी के बिल्कुल नहीं आने वाला था। शायद यही कारण था कि मैं लगभग 2 दिनों तक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यहाँ पर मैं जो भी कर रहा था वो गुस्से में ही कर रहा था। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में घूमने के लिए जाता और इस बार मुझे मेरे दोस्त एक नई जगह पर ले जाना चाहते थे। पास के ही गांव में एक खंडहर घर था जिसे भूतिया घर कहा जाता था। मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था, लेकिन कोई मुझे वहाँ पर लेकर जाता ही नहीं था। लेकिन इस बार शायद गांव के बच्चों में भी हिम्मत आ गई थी और वो कह रहे थे कि वो मुझे वहां पर लेकर जाएंगे। कहते हैं कि वहां पर भूत रहते हैं और वो थोड़ा सा एहसास हमें ज़रूर देते हैं। मैं इस बार खुश था, कुछ एडवेंचर तो करने को मिलेगा। यही कारण था कि हम शाम के लगभग 6 बजे उस घर की तरफ निकल पड़े। मैंने पापा को एक बहाना लगा दिया जिस कारण वो मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आते। मैं बड़ी ही आसानी से वहाँ पर 1 से 2 घंटे घूम सकता था। उस घर में हम रात के वक्त बहुत सारी शरारतें कर सकते थे या गांव वालों को डरा भी सकते थे। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसी कारण हम शाम के वक्त वहाँ पर निकले। मैं उस खंडहर घर को बाहर खड़े देखे जा रहा था और मेरे दोस्त ये बता रहे थे कि यहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं। 7 बजे के करीब यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और हमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं उनको कह रहा था कि हमें आवाज़ें बाहर खड़े होकर नहीं सुननी है, हमें अंदर जाकर सुननी है। तो मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसके बाहर एक गेट लगा हुआ था जिस पर ताला था। उस ताले को बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं ईंट मारकर उस ताले को तोड़ सकता हूँ। मैं ऐसे ताले पहले भी तोड़ चुका हूँ, क्योंकि हमारे गांव के पुराने मकान में ऐसे ही ताले लगे हुए थे जिसे मैंने ईंट मारकर तोड़ ही दिया था। इस ताले को भी मैं बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे वो दोस्त बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ईंट का टुकड़ा उठा ही लिया। मैंने 2-3 बारी में ही उस ताले को तोड़ दिया और अब हम बड़ी ही आसानी से उस बड़े से गेट को खोलकर उस घर के अंदर जा सकते थे। सबसे पहले मैं ही अंदर गया। वहाँ 7 से 7:15 तक हो गए और मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं उस घर के काफ़ी अंदर तक था और मैं अंदर जाकर बाहर आ चुका था। कोई भी मेरे साथ अंदर आने को पहले नहीं मान रहा था, लेकिन मैं जब बाहर आया वो भी अंदर आने को मान गए। इसके बाद हम एक एक कमरे के अंदर जा रहे थे। वहाँ पर पुराना सामान पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उस घर के अंदर कोई नहीं गया था। हमें काफ़ी देर तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। इस टूटे हुए घर को देखने के लिए लगभग हम 1.5 किलोमीटर तक चले थे। हमारे गांव से ये घर इतना ज़्यादा दूर था और यहाँ आकर भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। इस बात का गुस्सा मेरे मन के अंदर था। मैं अब आवाज़ें लगा रहा था कि है भूत, कहाँ है, सामने आ। और इस आवाज़ों को सुनकर मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे भूत का एहसास हो। मैं भी देखना चाहता था कैसा दिखता है भूत।
मैं हमेशा से ऐसा ही रहा था। मुझे भूत से बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इसी तरह से हिम्मत वाला बनाया था। आज मैं आवाजें लगाता रहा, फिर भी कहीं से एक पत्ता तक नहीं हिला। हम हर कमरे में गए। वहां पर एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें बहुत सारी किताबें थी। उन किताबों पर बहुत ज्यादा कीड़े चढ़े हुए थे और जैसे कीड़ों ने उन किताबों को खा लिया था। फिर भी वहां पर हमें कोई एहसास नहीं हुआ और मेरे दोस्त कहने लगे थे कि अब 8 बजने के करीब हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं रहता। तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं भूतों को गालियाँ निकालने लगा। मैं उस घर पर गालियाँ निकाल रहा था और ये कह रहा था कि यहाँ पर तो डरपोक भूत रहते हैं, सामने भी नहीं आते, पता नहीं क्या करते रहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम गेट की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे तो मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। मुझे जैसे चक्कर आने लगे थे और गेट के पास आते ही मैं जैसे बेहोश हो गया। मुझे बिल्कुल होश नहीं रही। जब अगले दिन मुझे होश आया तो मैं गांव की एक छोटी सी डिस्पेंसरी में था। मैं खुद हैरान था कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। मैं तो उस भूतिया घर के पास था। मैंने सामने देखा, मेरे पापा वहाँ बैठे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और वो मुझसे बात किए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि वो इस तरह से डरे क्यों हुए हैं, क्योंकि डरना तो मुझे चाहिए। पापा को शायद पता लग गया होगा कि मैं उस भूतिया घर में गया हूँ। उसके बाद मैंने आसपास देखा तो मेरे सारे परिवार वाले आसपास बैठे हुए थे और वो मुझे घूरे जा रहे थे। उसके बाद मेरी दादी ने मुझे गले लगा लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। उसके बाद जैसे ही मेरी नज़र मेरे हाथों की तरफ गई तो वो काफ़ी सूख चुके थे। मेरे नाखून जैसे काले हो चुके थे और मेरी कलाई पर एक काले रंग का धागा बांधा हुआ था। उसके बाद तो मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। मैं पापा से पूछना चाहता था, आखिर क्या हुआ, इस तरह से मेरी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, मेरा जैसे बहुत सारा वज़न कम हो गया हो। उसके बाद पापा ने पूरा किस्सा बताना शुरू कर दिया। पापा ने बताया कि उस घर पर भूत प्रेत का साया था। वैसे वहाँ पर काफ़ी आवाज़ें आया करती थी और तुम भी जब वहाँ पर गए तो तुम्हें वो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तुमने उन्हें गालियाँ निकालना शुरू कर दी तो तुम पर प्रेतों का साया हो गया। वो काफ़ी शैतानी प्रेत थे जिन्होंने तुम पर शायद हमला कर लिया और तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर दिया। जैसे ही तुम उस गेट से बाहर गए उन्होंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा। तुम हर रोज़ अपने बेड पर चिल्लाया करते, तुम अजीब अजीब हरकतें किया करते, तुम तो बिल्कुल अजीब से बन गए थे, जैसे तुम्हारी आँखों के नीचे काले गड्ढे बन गए। तुम खाना पीना छोड़ चुके थे, पानी पीना छोड़ चुके थे। तब पास के गांव से हमने पापा को बुलाया और उन्होंने तुम्हारी कलाई पर यह काला धागा बांधा, तब जाकर तुम्हें होश आई है। तुम्हें पता है तुम कितने दिन पहले बेहोश हुए थे? लगभग 25 दिन पहले। 25 दिन पहले तुम उस घर में गए थे और बेहोश हुए थे। तब से तुम इसी तरह से बीमार हो और हम तुम्हें लेकर अलग अलग डिस्पेंसरी और अस्पताल में घूम रहे हैं। आज जाकर तुम्हें होश आया है। उसके बाद मैंने देखा बिल्कुल मेरे सामने वो बाबा भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे भी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर शैतानों का साया था, लेकिन इस काले धागे के बाद वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस धागे को कलाई से कभी उतारना मत। अगर ये धागा तुमने अपनी कलाई से उतारा तो वो तुम पर दोबारा हमला कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैंने उस धागे को उतारने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन एक बार मुझसे वो गलती हुई जब मैंने नहाते वक्त उस धागे को उतार दिया था और एक ही झटके में मैं जैसे बेहोश हो गया। उसके बाद पापा ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आकर उस धागे को मेरी कलाई पर बांधा था। पापा ने बताया था कि तुम अंदर से बहुत ही अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की चीखें मार रही हो। तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो मेरे अंदर से वो आवाज़ें आ रही थी। 5 अलग अलग आवाज़ें मेरे गले से आ रही थी
और उसके बाद उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मेरी कलाई पर वो धागा नहीं है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती करके मेरी कलाई पर दोबारा धागा बांधा और उन शैतानों ने मेरे शरीर को छोड़ा। तब से लेकर अब तक मैंने उस धागे को खोलने की गलती नहीं की और मैं जानता हूँ ज़िंदगी भर मैं इस धागे को उतारने की गलती नहीं करूँगा।